शायद ही हम में से किसी ने सोचा होगा कि कोरोना महामारी जैसा कुछ होगा और वो इतना भयावह रूप ले लेगा कि हम उसमें अपनों को खो देंगे, अपने लोगों को खो देंगे। लेकिन जो नहीं सोचा था वही हुआ। कोरोना महामारी आई और उसने ऐसी चीजें कर दी कि दिल दहला उठे। वो शायद ही मंजर कोई भूल सकता है। लेकिन हम जो आपको अब खबर बताने वाले हैं वो भी बेहद चौंकाने वाली है। देश और दुनिया में तीसरी लहर का आगमन होने वाला है, ये खबर आप लगातार सुन रहे होंगे। तीसरी लहर काफी चर्चा में है। तीसरी लहर से बचाव किए जा रहे हैं कि किस तरह से तीसरी लहर को रोका जा सके या तीसरी लहर से लड़ा जा सके। कई देशों में ऐसे बचाव के तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया है जिससे तीसरी लहर को रोका जा सके। इस बीच अमेरिका की डॉक्टर एंथना फौजी ने जो दावा किया है वो बेहद हिला देने वाला है। अमेरिका में कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले हफ्तों में दुगने होकर 2 लाख रोजाना के मामले आएंगे। उन्होंने ये दावा किया है कि नया वेरिएंट मौजूदा वैक्सीन के प्रभाव को टक्कर देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में सर्दियों तक खतरनाक वेरिएंट उभर सकता है। अब इतना ही नहीं, अगर बात यही खत्म हो जाती तो शायद एक बार को हम सोच भी सकते थे। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ माइकल ने जो दावा किया है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। माइकल ने कहा है कि अगला वेरिएंट स्टेरॉयड वाला होगा, यानी अभी तक जो वेरिएंट आए हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और भी कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगला वेरिएंट बेहद खतरनाक होने वाला है। अभी ये तो बताया नहीं जा सकता कि ये जो वेरिएंट आने वाला है इससे कितनी मौत होंगी या क्या क्या होगा, पर ये बताया जा सकता है अगर हम वैक्सीन लगवा लें तो शायद हम इस तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, अगर वो वैक्सीन लगवा लें तो शायद वो बचाव कर सकते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन सब को अगर हम ना भूलें तो हम किसी भी वेरिएंट को आसानी से मात दे सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।